अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मिन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। अक्सर लोगों के बाल बहुत छोटे, पतले और कमज़ोर होते हैं। अब आपको छोटे, पतले और कमज़ोर बाल देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी वो आसान तरीन तरीका जो आपकी परेशानी ख़त्म करेगा। इस तरीके पर अमल करके आप अपने बालों को दोबारा से लंबा, घना और मज़बूत बना सकते हैं। छोटे बाल अक्सर लोगों का मसला होते हैं। घने बाल इसी सूरत में हो सकते हैं जब आप इनकी केयर करें, बालों की मजबूती की तरफ ध्यान दें, बाल घने और लंबे खुद ब खुद हो जाएंगे। ये नुस्खा आज जो आपको बता रही हूँ, इसकी बदौलत आपके मोटे और घने बाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में डिटेल से बताऊँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएँ ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बालों को लंबा और घना करने के लिए आपने तिलों का तेल लेकर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और एक अंडा शामिल करना है और दही मिलाकर सर पर लगाएं। खुश्की खत्म होगी, बाल लंबे, घने और स्याह हो जाएंगे। बाल लंबे, घने और स्याह बनाने के लिए मेरा आज का ये बताया गया नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। खूबसूरत, चमकदार और हसीन बाल सबको अच्छे लगते हैं। खूबसूरत और चमकदार बाल तभी हो सकते हैं जब आप इनकी हिफाजत करते हैं। अपने बालों की हिफाजत करें, आपके बाल खुद ब खुद लंबे, घने और मजबूत होंगे। और मेरा आज का ये बताया गया टोटका ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारामद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।